हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैपिटल ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने एक ट्रेड लिया है, सो उस पर ही मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ट्रेडिंग आज मैंने सिर्फ निफ्टी में किया है, क्योंकि बैंक निफ्टी का मूवमेंट इतना अच्छा नहीं था स्टार्टिंग में। सो आप देख सकते हो कि मैंने एक्चुअली ऑलरेडी ले लिया था, मैंने बाद में अपने रिकॉर्डर को ऑन किया। मैंने 10 लॉट लिया, बाय क्वान्टिटी 500, बाय प्राइस 48 रुपीज़ में। तो गाइज, मेरा ओवरऑल प्रॉफिट फिलहाल आप देख सकते हो 4000 समथिंग पे स्टार्ट चल रहा है। ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है गाइस। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हायर लेवल। मेरा इनिशियल टारगेट रखा मिनिमम 15 पॉइंट्स का और स्टॉप लॉस 8 पॉइंट्स का। वैसे मैंने रखा नहीं है, बट 8 पॉइंट्स का वो नीचे तक अगर आया तो 8 पॉइंट्स तक मैं स्टॉप लॉस रखूँगा। मार्केट मूवमेंट पॉजिटिव में है फिलहाल और CPR का सपोर्ट था गाइस, इसलिए मैंने ट्रेड लिया। और मेरा ट्रेडिंग हमेशा 9:15 to 9:20 to 9:25 के बीच में ही रहता है। स्टार्ट मैं फुल डे वेट नहीं करता या बैठा नहीं रहता गाइस। आज मैं सिर्फ 5 to 10 मिनट्स के ट्रेड में ही प्रॉफिट बुक करता हूँ एज ऑलवेज। तो आज मैंने हायर क्वांटिटी लिया है 500 का। सो गाइज, लेट्स सी कितने का प्रॉफिट आज होता है मेरे को। तो मार्केट अभी ऑलमोस्ट उस पर ही मूव कर रहा है गाइज, 10, 11, 12 पॉइंट्स के आसपास ऊपर नीचे हो रहा है। तो देखते हैं गाइज, प्रॉफिट बुक करना बड़ी बात नहीं है गाइज, सभी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट मेन फोकस है कंसिस्टेंट होना चाहिए प्रॉफिट हमारा। अगर आज मैंने 10,000 की प्रॉफिट बुक किया तो कल मेरे को 20,000 का लॉस हुआ तो कोई सेंस नहीं बनता गाइस प्रॉफिट बुक करने का। अगर मेरा आज 5,000 का प्रॉफिट है, अगर कल मुझे लॉस भी होता तो मेरा लॉस ऑलमोस्ट 50% होना चाहिए जितना मेरा प्रॉफिट है उसका। तो अगर मेरा 5,000 का प्रॉफिट है तो 2,500 का लॉस है, उससे नीचे का लॉस होना चाहिए गाइस। कभी भी लॉस बड़ा लेके मत चलो। और गाइस, मैं अगर मेरे को इनिशियली में प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है तो मैं आगे ट्रेड नहीं करूँगा। मेरा टारगेट रहता है गाइस, अगर मेरे को प्रॉफिट बुक हुआ तो एक ट्रेड बहुत है, अगर लॉस होता है तो एक या दो ट्रेड में उसको रिकवर करने का ट्राई करता हूँ गाइस, 2 या 3 ट्रेड में। बट अगेन, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करता। अगर 2 लॉस हुआ तो आई विल स्टॉप, मैं स्टॉप कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ मार्केट से, फिर मैं रिटर्न देखता नहीं। क्योंकि आप जितना देखोगे लालच आएगा उतना ट्रेड करोगे, तो इससे बेटर है कि आप नेक्स्ट डे के लिए वेट करो। मार्केट तो चलता रहेगा गाइस, हमें हमारे कैपिटल को सिक्योर रखना है। सो ग्रो भी करना है हमारे कैपिटल को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख सकते हो, मैंने निफ्टी 14 अक्टूबर के लिए एक्सपायरी डेट, आज 12 अक्टूबर है 1850 CE। सो अभी तक तो मूवमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है, ना ज़्यादा नीचे जा रहा है ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है गाइस। मैं थोड़ा हाई लेवल के लिए वेट कर रहा हूँ इनिशियल 15 पॉइंट्स का। अगर अच्छी मूवमेंट्स दिया तो मैं उसके आगे भी वेट करूँगा, बट 15 पॉइंट्स मैं टारगेट लेके चला हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उस टाइम पर एग्जिट कर सकता हूँ मैं। सो अगेन, मार्केट का मूवमेंट कुछ खास नहीं चल रहा है फिलहाल। आई गेस ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा है गाइस, आपको मैं चार्ट भी दिखाऊंगा आगे। चार्ट मैंने चार्ट भी डाला हुआ है, रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। सो लेट्स सी क्या होगा अभी। ओके, रेसिस्टेंस फेस कर रहा है गाइस, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर ज़्यादा रेसिस्टेंस फेस किया तो गाइस मैंने एग्जिट कर दिया। आप देख सकते हो मैंने 48 में लिया, 57.7 में एग्जिट किया। मेरा प्रॉफिट 4,850 गाइस, नॉट बैड। दस क्वांटिटी मेरा इन्वेस्टमेंट ही बहुत कम था गाइस, 24,000 का इन्वेस्टमेंट था, उसमें से ऑलमोस्ट 5,000 का प्रॉफिट लिया, मोर देन 20% इन अ सिंगल डे, नॉट इवन सिंगल डे गाइस। मैंने सिर्फ 7 मिनट के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया। आप देख सकते हो मार्केट नीचे जा रहा है। तो गाइस, ये आप चार्ट देख सकते हो, स्टॉप लॉस मैंने कहाँ रखा है देखो, मैंने एंट्री कहाँ किया, जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो मेरा एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे मैंने एंट्री किया। मैंने वहाँ पे एंट्री इसलिए किया गाइस, नीचे CPR देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग बायर्स थे, इसलिए मैंने वहाँ पे बीच में ही एंट्री कर ली। मुझे पता मार्केट ऊपर जाएगा, बट मेरा टारगेट था कि एटलीस्ट मार्केट 15 से 20 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो 15 पॉइंट इनिशियल टारगेट था मेरा। सो मार्केट सडनली वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करने लगा, आप देख सकते हो रेड लाइन, मैंने वहाँ पे एग्जिट कर दिया, वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। एंड लकीली मेरा स्टॉप लॉस नीचे आप देख सकते हो ब्लैक में स्टॉप लॉस, अगर मैं वहाँ पे बुक नहीं करता स्टॉप लॉस को ट्रेल करता तो इजीली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता गाइस। अगर मुझे दोबारा भी ट्रेड करना रहता तो फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज चल रहा था, फिर अगेन एट दी एंड में वो जाकर थोड़ा थोड़ा ऊपर गया, तो एट दी एंड गाइस पे बैठता भी नहीं हूँ और मोस्टली साइडवेज रहता है, तो उसमें ट्रेड करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली आपको लॉस ही होगा। तो साइडवेज के दिन तो अवॉइड ही करो गाइस ट्रेड करने के लिए, मैं खुद नहीं करता साइडवेज के दिन ट्रेड। और
तो गाइस आप देख सकते हो मैंने इसमें आपको बताता हूँ मैंने कहाँ से लिया, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैंने एग्जिट कहाँ लिया, एंट्री कहाँ पे लिया, स्टॉप लॉस कहाँ पे था। देखो गाइस मार्केट स्ट्रेट बुलिश था तो सीधा ऊपर गया गाइस, वहाँ पे मैंने एग्जिट लिया क्योंकि आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट यू टर्न लिया है वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके। अगर मैं नहीं लेता गाइस तो मेरा लॉस स्टॉप लॉस हिट हो जाता जो मैंने नीचे मेंशन किया था एंड फिर मैं लॉस में हो जाता। सो इट्स बेटर 20% प्रॉफिट भी गाइस, नॉट बैड 20% प्रॉफिट मिल गया गाइस मेरे इन्वेस्टमेंट में, जस्ट 24,000 का इन्वेस्टमेंट में ऑलमोस्ट 5,000 का प्रॉफिट, नॉट बैड गाइस। उसके आप देख सकते हो आप यहाँ से फिर से ट्रेड ले सकते हो जब वो मेरे स्टॉप लॉस के नीचे से जब वापस ग्रीन कैंडल स्टार्ट होता है, बट अगेन CPR है तो थोड़ा रिस्की हो जाता है गाइस। उसके बाद नीचे तो पूरा साइडवेज चल रहा है मार्केट, फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाता है गाइस, वो फिर 3 बजे तक वेट करना भी बहुत लंबा टाइम हो जाता है। एंड उस टाइम तक अगर आप देखते रहोगे मार्केट तो ट्रस्ट में आपको थोड़ा लालच आएगा, आप उसमें ट्रेड करना चाहोगे ही, कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बेटर आपको एक प्रॉफिट हुआ एग्जिट हो जाओ। CPR था गाइस आप देख सकते हो एंड इवन वाइड नहीं था तो मैंने ट्रेड लिया, तो मुझे उम्मीद था कि आज मार्केट ट्रेंडिंग चलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ट्रेंडिंग नहीं चला, थोड़ा रेजिस्टेंस फेस किया उसने एंड फिर हम अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो नहीं तो फिर गाइस हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 7,000 to 10,000 के अप्रॉक्सीमेट होता था। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़, थैंक यू।